भक्ति सेवा समिति द्वारा धूमधाम से मनाया राधा रानी जन्मोत्सव। हापुड़ के नगर पिलखुवा में भक्ति सेवा समिति द्वारा वेदांत मंदिर पर कमला भवन में राधा रानी के जन्मोत्सव पर समिति की सदस्यों द्वारा 108 बहनों के साथ हमने 108 दीप प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से शुरू किया। हर महिला को माला से 2 माला से राधा रानी का जाप करा, राधा रानी के व्रत के उपलक्ष्य में फलाहार किया, जिसमें आसपास के गांव और नगर की ज्यादातर महिला जो कि वृद्ध व असहाय और अपंग महिला थी। समिति के संरक्षिका कमला बहन द्वारा सभी सदस्यों के साथ सभी महिलाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान कमला बहन संरक्षिका अध्यक्ष लविता बंसल, सचिव सुरभि अत्रिश, कोषाध्यक्ष डोली गुप्ता, संयोजिका प्रीति मित्तल, कमला बहन संरक्षिका अध्यक्ष लविता बंसल, सचिव सुरभि अत्रिश, कोषाध्यक्ष डोली गुप्ता, संयोजिका प्रीति मित्तल आदि मौजूद रहे। अम्मा जी, आज कमला भवन में प्रोग्राम रखा गया है, क्या है प्रोग्राम? ऐसा है, आज राधा अष्टमी के उत्सव में हम राधा अष्टमी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो मैंने 108 महिला मलाई हैं, जो भी महिला मेरी गांवों से भी आएंगी और मोहल्लों से भी आ रही हैं, उसमें असहाय महिला हैं, वृद्ध महिला हैं और अपंग महिला भी हैं, और मेरी और सारी सत्संग की महिला भी हैं, तो कम से कम महिला हो जाएंगे हमारे 250-200। 108 का हमने नियम लिया, मगर 200 महिला मेरे पास हो जाएंगी, और इन महिलाओं का पहले माला जपवा रहे हैं, टीका कराया हमने सम्मान, फिर माला जपवाएंगे, 2-2 माला श्री राधे के। अब माला जपने के बाद फलार खा रही हैं सब, अब फिर इनका सम्मान करेंगे चद्दर के द्वारा, जो भी महिला है। ये राधा अष्टमी का उत्सव में हम करा रहे हैं और भक्ति सेवा समिति के उपलक्ष्य के अंदर अंतर्गत।